हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रूथ हर्बिट्स क्राइटेरिया और उसमें जो स्पेशल केस टू होता है उसमें। हालांकि इसका बेसिक वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, आज उसके आगे का डिस्कशन करते हैं कि देखिए स्पेशल केस में टू में क्या था कि जब हम राउत हर्बिट्स क्राइटेरिया से किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक, स्पेशल केस टू। स्पेशल केस टू में हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में क्या था कि अगर मान लीजिए किसी भी सिस्टम की जो है पूरी एक रो जो हम राउत मैट्रिक्स बना रहे हैं या राउत एरे बनाते हैं उसकी अगर पूरी एक रो जीरो हो जा रही है तो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो मान लीजिए ये हमने लिया था एस स्क्वायर 5 + 2 s³ 4 + 24 s³ + 48 s² -25 s -50 = 0, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई थी और स्टेबिलिटी चेक करनी थी। तो ये पार्ट तो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक, अब उसमें क्या था कि हमने क्या किया था कि हमने देखा था कि इसकी जो एंटायर रो जीरो हो जा रही थी यानी s³ 5 s² 4 s³ s² 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 1 और s² 0, इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 24 -25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 48 और माइनस का 50। और प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जा रही थी कि ये भी जीरो यानी एंटायर ये वाली एंटायर रो जीरो हो जा रही थी। तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाल रहा था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा हो पिछला लेक्चर देख लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई थी हमारी ये 2 s³ 4 + 48 s² - 50, और फिर इससे हमने इसको सॉल्व करके इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर पिछले वीडियो में देखिए, अननेसेसरी उसको रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। और हम ये ले आए थे कि साहब जो है सिस्टम अनस्टेबल है क्योंकि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम 1 आ गया था और नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, नंबर ऑफ साइन चेंजेस ये हम लोगों का 1 आ गया था और नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन ये 1 आ गया था। यहाँ तक तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में अपना पढ़ाई की थी। अब इसके बाद क्या है कि आज हम लोग ये डिस्कस करने चले हैं कि ये जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है इसका क्या रोल है, इसके रूट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें। तो अब देखिए इसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी है से ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी जो बनी है 2 s³ 4 + 48 s² - 50 = 0, ये तो इसमें क्या होगा कि पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन वो रूट्स किसके होंगे, ओरिजिनल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसके भी रूट्स होंगे, ओरिजिनल जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके भी वो रूट्स होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अभी उसको माइनस करके हम बताएंगे, यानी कि अब मान लीजिए इसके जो रूट्स हैं इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा s+1 × s-1, ये तो हो गया ओरिजिनल इक्वेशन का। ठीक, और इसके जो रूट्स आएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे s+j5 × s-j5 × s+2। ठीक है, तो यानी ये जो गिवन इक्वेशन है हमारी जो ओरिजिनल वाली इक्वेशन थी, तो अब इसमें देखिए एस कितने हो गए, ये हो गए। इट इज क्लियर दैट द ओरिजिनल इक्वेशन फ्रॉम हैज वन रूट विथ पॉजिटिव। अब देखिए इसके जो रूट्स आप निकालेंगे तो ये एक जो रूट है ये कहाँ पे है, ये पॉजिटिव रियल पार्ट है, रियल पार्ट। ठीक है, इसका सॉरी ये तो निगेटिव रियल पार्ट आएगा, ये जो रूट है इसका क्या है, इसका ये पॉजिटिव रियल पार्ट है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि
राइट हाफ में भी आपका पोल होगा। अब इसमें रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे, तो हमने कहा कि द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जो हमने लिखा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो जो ओरिजिनल जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही पार्ट होती है, तो जो इसके रूट होंगे वो इसके भी रूट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें कि से हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो क्या थी, एस की पावर 5 प्लस 2 एस की पावर 4 प्लस 24 एस स्क्वायर माइनस 24 एस स्क्वायर प्लस 48 एस 42 एस की पावर 5 2 एस की पावर 4 प्लस 24 एस क्यूब करेक्ट 48 एस स्क्वायर माइनस 25 एस माइनस 50, ये माइनस 50 इक्वल टू 0। तो इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके रूट्स आएंगे कितने, एस के ऑर्डर क्या है 5 है, तो 5 रूट्स होंगे। और हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखें, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के यहाँ पे रूट्स कितने हैं, ये एस की पावर 4 है तो कितने रूट्स आएंगे, इसके 4 आएंगे। तो इन 5 में से 4 तो ये रूट्स होंगे और प्लस एक रूट और होगा, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, दूसरी एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एस की पावर 6 है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, तो उसमें रूट्स कितने होंगे, उसमें रूट्स होंगे 6। और मान लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो एस की पावर 4 से है, उसमें रूट्स कितने होंगे, उसमें रूट्स होंगे 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 में से 4 घटा दीजिए, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये जो दो रूट होंगे, टू रूट्स विल ऑलवेज लाई टू द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ये दो रूट जो है, दीज टू रूट्स विल ऑलवेज लाई टू द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, टू द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है, ये हमेशा लेफ्ट हाफ में होंगे एस प्लेन के। एंड दीज टू रूट्स डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट रोल फॉर स्टेबिलिटी बिकॉज दे लाई फार अवे फ्रॉम इमेजिनरी एक्सिस, और ये जो रूट्स हैं ये लेफ्ट हाफ में होंगे, और चूंकि इमेजिनरी एक्सिस जो हम ऐसे एस प्लेन बनाते हैं तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये रियल है, इससे काफ़ी दूर होंगे, इससे काफ़ी दूर होंगे, तो इसलिए इनका स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है, ठीक। अब नेक्स्ट चीज इसमें जो बतानी है कि द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर डोमिनेंट रूट, द स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट होते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं दे आर कॉल्ड डोमिनेंट रूट, ठीक है। और इन स्टेबिलिटी जो है हम सिस्टम की, द स्टेबिलिटी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इन रूट से भी आप स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको, इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल लेके अगर आपको समझाएं, तो सपोज कीजिए मान लीजिए हमने कहा कि से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है किसी भी सिस्टम की, एस की पावर 6 प्लस 2 एस की पावर 5 प्लस 8 एस की पावर 4 प्लस 12 एस क्यूब प्लस 20 एस स्क्वायर प्लस 16 एस प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, इसकी हमको स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने पहले राउत अरे बनाया इसका, एस की पावर 5 6 5 फिर 4 3 2 1 0, अब यहाँ पे कोफिशिएंट लिखिए, तो 1 8 1 8 20 और 16, ये आ गया। फिर लिखेंगे 2 12, ये आ गया आपको 12 के बाद 16 और 0, ठीक। अब
ये कैलकुलेट करिए तो ये आएगा 2, 12, 16, 0, और जब एस क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो ये 0, 0, 0, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो स्पेशल केस 2 आ गया। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जब निकालेंगे इसका, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी ए एस इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ से उठाइए 2s की पावर 4 प्लस 12s² प्लस 16, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एस की रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8s³ और प्लस 12 × 2 = 24s, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या बात निकल के आई कि देखिए सिंस द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 6, इसका ऑर्डर कितना है 6 है, इसका ऑर्डर कितना है 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 - 4 = 2, जो दो रूट हैं इसका मतलब ये हुआ कि 6 - 4 = 2, ये जो दो रूट्स हैं ये हमेशा टू रूट्स विल लाई टू द लेफ्ट ऑफ एस प्लेन, ठीक है, ये हमेशा एस प्लेन के लेफ्ट में लाई करेंगे और बाकी के जो चार बचे एंड फोर रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डोमिनेंट रूट, इनसे स्टेबिलिटी चेक, डोमिनेंट रूट्स इन्हीं से स्टेबिलिटी चेक होगी, ठीक, इन चार रूट से। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जैसे हमने स्पेशल केस टू में कंटिन्यू करते हैं, तो एस की पावर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये लिखा हमने, यहाँ पे आ गया 1, 8, 20, 16, नेक्स्ट आ गया 2, 12, 16, 0, अब यहाँ पे आ जाएगा 2, 12, 16, 2, 12, 16, 0, यहाँ से एस क्यू हो जाएगा 8, 24, 0, 0, ठीक, फिर हो ये आएगा कैलकुलेट करके 6, 16, 0, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 2.67 और 0, और ये लास्ट में आ गया 16। अब देखिए यहाँ पे पहले कॉलम में कोई साइन चेंज है, नहीं है, तो नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, इससे क्या बात निकल के आई, इसका मतलब सिस्टम इज स्टेबल, जो गिवन सिस्टम है वो स्टेबल है, ठीक। सिंस देयर इज ए रो ऑफ जीरोस इट मींस द रूट्स आर लाइंग ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहां पे एक रो ऑफ जीरोस है, पहले जब अभी हमने देखा था, तो इसका मतलब कि रो ऑफ जीरोस का मतलब ये हुआ कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको निकालेंगे तो कैसे आएगा, उसको देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप जीरो रख दीजिए, यानी ए एस इक्वल टू आप जब जीरो रखेंगे क्या होगा, 2s की पावर 4 प्लस 12s² प्लस 16 = 0, इसको कैलकुलेट करके इसके जब आप रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे s ± j2 और s ± j√2, यानी इसके रूट सीधे सीधे आ जाएंगे s + j2, s - j2, s + j√2 और s - j√2, ये चार इसके रूट्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या है कि जब इसको मान लीजिए आप इमेजिनरी एक्सिस में मार्क करेंगे तो से एस इक्वल टू जे, ये लीजिए पहले एस, यहाँ से निकालेंगे आप एस इक्वल टू -j2,
सपोज कीजिए यहाँ आया, ठीक, यहाँ से आएगा एच बराबर प्लस जे टू, यहाँ आया, ठीक, ये माइनस जे रूट टू, माइनस रूट टू यहाँ आया, और प्लस का जे रूट टू यहाँ आया, ये चार रूट्स आ गए। अब इसमें देखिए ये चारों क्या हैं, अलग अलग है ना, यानी कि रूट्स आर नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड ऑन इमेजिनरी एक्सिस। और जब रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नॉन रिपीटेड होते हैं तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन मार्जिनली, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। ये आया आंसर निकल के आपका, ठीक है। यानी अब फाइनल कंक्लूजन इसका क्या हो गया कि नंबर ऑफ रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट, नंबर ऑफ रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट कितने हैं, कोई नहीं है, जीरो। नंबर ऑफ रूट्स विद निगेटिव रियल पार्ट, विद निगेटिव रियल पार्ट कितना है, दो। और नंबर ऑफ रूट्स विद जीरो रियल पार्ट, नंबर ऑफ रूट्स विद जीरो रियल पार्ट कितने हैं, चार, ठीक है। तो ये फाइनल इसका कंक्लूजन निकल के आया। अब इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं, वो भी आप ध्यान रख लीजिए ताकि ये टॉपिक पूरा ही कवर हो जाए। इसमें क्या है आपको कि जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान देने की या नोट करने की, वो ये समझ लीजिए कि इफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम सिस्टम इज अनस्टेबल, द नंबर ऑफ रूट्स विद पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ साइन चेंजेस, द रूट्स आर लोकेटेड इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, बट इफ नो साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम द सिस्टम मे बी स्टेबल, इन सच केस स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाई सॉल्विंग ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर रूट्स एंड फ्रॉम द लोकेशन ऑफ रूट्स स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड, ठीक। तो मेन चीज़ ये है, देखिए पहला उसने सबसे पहले क्या कहा है कि जो हम रूट एरे बनाते हैं किसी सिस्टम के लिए, ठीक, उसमें क्या हुआ, अगर फर्स्ट कॉलम में नो साइन चेंज आया, नो साइन चेंज, तो क्या हुआ, सिस्टम सीधा सीधा स्टेबल हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर रूट एरे में फर्स्ट कॉलम में नो साइन चेंज आया तो सिस्टम स्टेबल हो गया, ठीक है, लेकिन किस तरह का स्टेबिलिटी है, मार्जिनली है कि नहीं, उसमें क्या करते हैं कि इस केस में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको देखते हैं, ठीक। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके लोकेशन से हम टाइप ऑफ स्टेबिलिटी बताते हैं, स्टेबल है, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन मार्जिनली स्टेबल है, रिलेटिव स्टेबल है, क्या सीन है। तो टाइप टाइप ऑफ स्टेबिलिटी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को निकाल करके उसकी एस प्लेन में जहाँ पे लोकेशन होती है उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। और अगर पहला केस ये है, फर्स्ट कॉलम में अगर साइन चेंज है तो आपको कुछ करना नहीं, तो फिर अनस्टेबल हो गया, बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेबल है तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालिए, रूट्स की लोकेशन देखिए एस प्लेन में कहाँ पे है, और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द रूट्स आप बताएंगे कि ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, एब्सोल्यूट स्टेबल है कि क्या है, क्लियर। तो बस यही चीज़ें आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।